गुरुवार को सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और नगर निगम प्रवर्तन दल टीम के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह के द्वारा शास्त्री चौक व अम्बेडकर चौराहे पर लगने वाले ठेले खुमचो वालों से बात की और उन्हें नगर निगम व डूडा द्वारा हरिओम नगर में चिन्हित वेंडिंग जोन में ही अपनी दुकानें लगाने की बात कही गई और उन्हें व्यवस्थित किया गया। इस दौरान 100 से अधिक ठेले खुमचो वाले मौजूद रहे, जिसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि 135 दुकानों का आवंटन होना है, जिसमें से 129 दुकानें आवंटित हो गई हैं। ये वो लोग हैं जो हरिओम नगर, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक पर ठेले खुमचे लगाकर पटरी पर व्यवसाय करते हैं। उन्हें यहां दुकान लगाने के लिए कहा गया है तथा नगर निगम द्वारा सफाई की व्यवस्था की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जाम की समस्या से निजात मिल सके और इनका भी नुकसान ना हो तथा गोरखपुर के वासियों से अनुरोध करते हुए कहा कि सभी वेंडिंग जोन में ही आकर फल सब्जी खरीदें। उन्होंने कहा कि दो और जगह वेंडिंग जोन के लिए चिन्हित की गई है, वहां भी लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट चौकी इंचार्ज, परिवर्तन दल प्रभारी सीपी सिंह सहित पटरी व्यवसायी भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, कितने का अलॉटमेंट है इसमें सर? अलाउंस भी किया था हम लोग, तो ऐसे लोगों की ज्यादा है, पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि जो सारे लोग दुकान हटा दी गई है, कभी तत्काल में वहाँ नहीं। अभी ये लोग जितने लोग हैं, एक बात हुआ लोग गलती से गाय वगैरह पहुंच भी जाता है वहाँ पे तो आधा एक घंटा के लिए, जैसे ही कोई फोटो खींच के डाला कि अरे यहाँ पे रोड पे है, कोई भी हमारे मीडिया वाले इतने लोग कोई भी अगर डाल दिया कि यहाँ पे अभी भी लोग हैं, तुरंत उनको सीज करके कार्रवाई हो जाएगी। तो ये यहाँ बढ़िया है, यहाँ पे सफाई पूरा हो गया आपका? शुरुआत में हम लोग 3 दिन लगाए थे, 2-3 हज़ार घाटा लगे थे, वो तब जब वहाँ पे हम लोग हटा नहीं पाए। अब ये रोज इनकी टीम जो है रोज यहीं टहलती रहेगी, समझ रहे हो? देख लो ना, एक से हैं सब मुस्टर्डे से टहलते रहेंगे यहाँ पे, कोई भी आदमी दिखा तुरंत उन लोग सब यहीं आएंगे लेने के लिए, सबको ढूंढ लेना, इनको भी देखना ये है, ये अलॉटमेंट किया ना तुम्हारा, सब तुम यही दिखेंगे सामने। ये भी आ जाएंगे, डीएम साहब भी एक दिन आएंगे, सब भी साहब खुद ही आएंगे, हम सब रिक्वेस्ट कर लेंगे, कमिटमेंट है कि हम डीएम साहब को लेके आएंगे हम लोग लेके आएंगे डीएम साहब, फ्रूट जो का सब। और अब आपकी जिम्मेदारी है, आप लोगों से 3-4 लोगों का समूह बना लीजिए यहाँ पे, जो शिकायत करेगा जिसका काम है सिर्फ फोन पे शिकायत बताना, कि अगर कोई आदमी वहाँ लगा रहा है तो तुरंत फोन पे मैसेज मेरे डाल दो, इनका नंबर ले लो, 3-4 नंबर दे देंगे, नंबर 3-4 लोग का तो मैं दे रहा हूँ, तुरंत करो और फिर चुटकी बजाकर देखो 2 घंटे के अंदर वो वहाँ से हट जाएंगे। ऐसा होगा तभी वहाँ पे जब नहीं होगा, पहले सुनो, हर बार की तरह और इस बार में ये अंतर इस बार रहेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी भैया अपने वाले पे जाकर कब्जा तुरंत कर लो, तुरंत एडजस्ट हो जाओ, नहीं तो दिक्कत। जब इस यहाँ का आरती बोल रहा हूँ, इस वेंडिंग जोन का, अभी भी देखिए सर वहाँ लोग लगा रहे हैं, देखिए सर ये गलत हो रहा है, बस एक बोल दो सर, हमको नंबर मिल गया लेकिन इसमें हमारा दुकान, मैं खत्म कर दूँ, एक ही चीज मैं बता रहा हूँ, आप ही शिकायत करोगे, आप मेरे पास मैसेज भेज दोगे, तुरंत मैं इनको भेज दूंगा, इनके पास भेज दोगे खुद ये देख लेंगे, और मैं 2 नंबर और देता रहा हूँ, 2-3 नंबर, ठीक है? आप तुरंत मैसेज कर दिए स्थानीय, पांडे साहब वो मैंने अभी करूँ नाला करना है और ये सफाई दिखा देता हूँ, और 2 मिनट हो गई, और जब लग रहा था आप लगवा लो, अभी में से एक बंदो और नहीं कर रहा हूँ।
देखिए डूडा द्वारा वेंडिंग जोन जो बनाए गए हैं नगर निगम और डूडा के सहयोग से, इसमें 135 दुकानों का यहाँ पे आवंटन है, जिसमें से 129 दुकान आवंटित हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी रेहड़ी पटरी व्यवसायी हैं, जो हरिओम नगर और कलेक्ट्रेट और आसपास के इलाकों में जो भी पटरी व्यवसाय करते हैं, जो भी फल ठेले सब्जी इस तरह का जो व्यापार करते हैं, तो उनके लिए बना हुआ था और पूर्व से आवंटन था और पूर्व में भी कई बार प्रयास किया गया था इनको यहाँ शिफ्ट करने के लिए। तो आज क्योंकि इनसे पूर्व में ही वार्ता कर ली गई थी और सभी अपनी सहमति जताए थे, तो सबके लिए एक समान पॉलिसी अपनाते हुए सबको यहाँ शिफ्ट करने का अनुरोध किया गया और सभी यहाँ पे इसमें सहमत हुए हैं और 129 लोग यहाँ पे आने की सहमति जता दिए हैं। तो सभी अब धीरे धीरे अपना सामान लेकर यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं और जहाँ जहाँ जिनको आवंटन हुआ है वो वहाँ पे अपना कब्जा प्राप्त कर रहे हैं। नगर निगम यहाँ पे जो बेसिक और सुविधाएँ दी जा सकती हैं इनको वो यहाँ पे उपलब्ध करा रहा है। साफ़ सफाई की व्यवस्था यहाँ अभी से करा दी जा रही है, पहले से साफ़ सफाई और बाकी और साफ़ सफाई यहाँ कराई जा रही है। तो हमारा पूरा प्रयास ये है कि सड़क किसी भी तरह से सड़क पर अतिक्रमण नहीं रहेगा और जो भी पटरी ठेले वाले और जो भी हमारे व्यवसायी हैं उनकी भी जीविका साथ कोई नुकसान ना हो, उनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए उनके लिए हमने स्पेसिफिक एक जोन यहाँ पे चिन्हित कर दिया है। तो यहाँ उनके लिए और बेहतर के लिए काम किया जाएगा और आपके माध्यम से मैं गोरखपुर की जनता और इस क्षेत्र की जनता को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि सभी इस वेंडिंग जोन के क्षेत्र में ही आके अपना जो भी सामान खरीदना है, फल सब्जी या और भी जो सामान खरीदना है, वो यहीं आके खरीदें और इससे शहर की जो समस्या है अतिक्रमण की और जाम की, इससे उनको निजात मिल सकेगी। देखिए यहाँ पे इस समय 129 लोग का आवंटन हो चुके हैं, इसके अतिरिक्त भी हम और आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। कुछ ऐसे व्यवसायी हैं जो पूर्व के आवंटन में जो छूटे रह गए तो उनकी भी लिस्ट हम प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे दो और वेंडिंग जोन अभी बने हुए हैं और भी कई स्थल चिन्हित हुए हैं शहर में, हमने कई स्थल चिन्हित किए हैं। तो जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे उनको यहाँ करेंगे, इसके अलावा बाकी लोग के लिए हम जो और चिन्हित स्थल वहाँ पर उनको शिफ्ट करेंगे।